अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्रिकेट की पिच पे इस तरह से हाथ क्यों आजमा रहा हूँ, तो बताएंगे साहब, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट, बड़ी दिलचस्प जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। और ये जानकारी दरअसल जुटी हुई है बैट और बॉल से। जी हाँ, बल्ले और गेंदबाजी की दुनिया, और इस दुनिया में नए नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, और उन्हीं में से एक प्लेयर हैं ऐसे जो न सिर्फ पिच पर यानी बल्लेबाजी की पिच पर अपने रिकॉर्ड बनाते हैं, बल्कि कमाई के कीर्तिमान भी जब बनाते हैं तो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आज ऐसे ही एक बल्लेबाज के बारे में हम बात करने वाले हैं, और ये हैं विरोधी टीम के दिलों में खौफ बन जाने वाले विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली। लेकिन आज हम उनके किसी क्रिकेटिंग रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं उनके उस रिकॉर्ड के बारे में जो उन्होंने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट, अपने तमाम चीज़ों से, जो उनका कमाई का जरिया है, कहां कहां से वो कमाते हैं और किस तरह से अपनी ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाई है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली का नाम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में शुमार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोहली की कुल नेटवर्थ 1,050 करोड़ रुपए है। विराट कोहली जून 2023 में 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल हुए और दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक बन गए। इतना ही नहीं, विराट दुनिया के सबसे चहेते क्रिकेटर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और इतने फॉलोअर्स दुनिया में किसी भी क्रिकेटर के पास नहीं है। पैंतीस साल के विराट BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A+ कैटेगरी में शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विराट सालाना 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा हर मैच के लिए उन्हें अलग से फीस मिलती है। टेस्ट मैच के लिए विराट को 15 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। ये मैच फी हर प्लेयर की इस कैटेगरी में सेम होती है। BCCI के अलावा विराट कोहली IPL से भी मोटी कमाई करते हैं। विराट 2008 से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा है। विराट ने लंबे समय तक RCB की कप्तानी भी संभाली, लेकिन 2021 के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। लेकिन कप्तानी छोड़ने के बाद भी बम्पर कमाई जारी है। कोहली को हर साल IPL से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से कोहली को क्रिकेट के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई होती है। विराट अभी 18 से भी ज्यादा ब्रांड्स के ऐड करते हैं, जिसमें वीवो, मिंत्रा, नॉइस, रोगन, HSBC और MRF जैसे ब्रांड शामिल हैं। वो हर ऐड को शूट करने का लगभग 7.5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बता दें कि बॉलीवुड और भारतीय स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये सबसे महंगा रेट है, और ऐसे विज्ञापनों से विराट सालाना लगभग 175 करोड़ कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, विराट कई ब्रांड्स को तो ओन करते हैं और कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर रखा है, जिसमें MPL और ब्लू ट्राइब जैसे ब्रांड शामिल हैं। इन ब्रांड्स में कुछ हिस्सेदारी उनके पास है। वहीं इसके अलावा विराट FC गोवा फुटबॉल क्लब के मालिक भी हैं। ये क्लब इंडियन सुपर लीग में खेलता है। साथ ही विराट के पास एक टेनिस और कुश्ती की टीम भी है। जी हाँ, आपने देख लिया कि किस तरह से विराट कोहली अपनी इनकम, IPL, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड एंडोर्समेंट और बाकी जरियों से जो है वो क्रिकेट की पिच के अलावा भी बाकी जगह से किस तरह से धुआंधार कमाई कर रहे हैं, चौके छक्के ब्रांड्स की दुनिया में भी लगा रहे हैं। लेकिन एक और दुनिया, और वो डिजिटल दुनिया, और डिजिटल दुनिया में भी, जी हाँ, डिजिटल दुनिया में भी विराट कोहली की धमक देखने लायक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विराट इंस्टाग्राम पर कुछ शेयर करते हैं तो लगभग 9 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, और ट्विटर पर विराट से कुछ लिखवाना हो तो उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विराट के पास मुंबई में और गुड़गांव में 2 आलिशान बंगले हैं, जहां मुंबई बंगले की कीमत 34 करोड़ है तो वहीं गुड़गांव वाले की कीमत 80 करोड़। वहीं 31 करोड़ की तो विराट भाई ने सिर्फ गाड़ियां खरीद रखी हैं, जिसमें ऑडी की R8 V10 Plus, R8 LXM,
A8L, Q8, Q7, RS5 और S5 शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर और बेंटली भी उनके काफिले में शामिल हैं। जी हाँ, क्रिकेट की पिच है, बैटिंग बॉलिंग सब पर हाथ आजमाना है, लेकिन विराट कोहली की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से उनका फोकस जो है वो टीम पर रहता है, अपने गेम पर होता है, और यही वजह है कि वो ब्रांड्स की दुनिया में और इस कमाई की दुनिया में जब हम कीर्तिमान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बेहतर तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, और यही वजह है कि अब एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उनकी धारदार बैटिंग और बेहतरीन रणनीति पर फोकस करना होगा और देखना होगा कि ये फोकस आखिर उनको ब्रांड्स की दुनिया में एक बार फिर किस तरह से नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियां हम आपके लिए अपने सोशल मीडिया, अपनी डिजिटल दुनिया में लेते आते रहेंगे। फिलहाल विराट कोहली को अपने गेम पर फोकस करने दीजिए और हम भी पिच पर मौजूद हैं तो हम भी थोड़ा खेल लें।